5 सितंबर को पाक फौज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया और उनके नापाक असायन को खाक में मिला दिया। जिस बहादुरी और जुदत से अफवाज पाकिस्तान ने अजली दुश्मन का मुकाबला किया वो हमेशा तारीख में याद रखा जाएगा। पूरी कौम मुसल्ला अफवाज की कुर्बानियों पर उन्हें सलाम पेश करती है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के यौम दिफा पर खसूसी पैगामात। छः सितंबर यौम दिफाए पाकिस्तान पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत अहम दिन। इस दिन हमारी अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया और उनके नापाक अजायम को खाक में मला दिया। और जिस बहादुरी शुजा के साथ हमारी अफवाज पाकिस्तान ने 1965 की जंग में शिकस्त दी वो हमारी तारीख में हमेशा फख्र से याद रखा जाएगा। आज 6 सितंबर पाकिस्तान का दिफा का दिन हम सब बड़े जोश खरोश से मनाते हैं और इसमें जो ख़ास बात है वो ये कि इसमें पूरी पाकिस्तान की डिफेंस तो अपना किरदार अदा कर रही थी। आर्मी ने अपनी जगह ज़मीनी जो जंग थी उसके अंदर अपना भरपूर किरदार अदा किया, जानों के नजराने पेश किए। हमारी एयरफोर्स जो थी उसने बेहतरीन कारकर्दगी की, जो नेवी ने उस वक्त किरदार अदा किया क्योंकि इरादा कराची पर कब्जा करने का या कराची को तबाह करने का था दुश्मन का, और उसको जो नेस्तनाबूद किया हमारी नेवी ने खास तौर से, उसके लिए हम खराज तहसीन मनाने के लिए आज का दिन खास तौर से मनाते हैं। आज जिस खुली फ़जा में आप सांस ले रहे हैं, आज जिस आज़ाद फ़जा में आप सांस ले रहे हैं, उसके पीछे शहीदों का खून शामिल है, उसके पीछे हमारे न सिर्फ डिफेंसेस बल्कि हमारी जो आम आवाम थी जो अपनी फौज पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।